माइक्रोसॉफ्ट 365 सिक्सटी फाइव एंड इन ट्यून के पैकेज प्ले लिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका आएम मंजीत रावत योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि हाउ वी कैन इंस्टॉल द ऑफिस अप्लीकेशन इन आवर ऑन प्रोमाइसिस मशीन ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव पोर्टल पर जो भी लाइसेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस लाइसेंस में आपको ऑथोरिटी मिलती है कि यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑफिस पैकेज ऑन ऑन प्रोमाइसिस मशीन लाइक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो भी टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं ऑफिस के डे टू डे एक्टिविटी में हम जो यूज करते हैं आप अपने लाइसेंस के अकॉर्डिंग डाउनलोड करके अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं आई होप कि आ, जो लास्ट क्लास थी उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इफ़ यू नो अबाउट हाउ वी कैन परफॉर्म दैट टास्क तो आई बटन पर लिंक है उसका यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द आई बटन एंड इस लास्ट क्लास की पूरी वीडियो में आपको Uh, अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जाता है अभी हम मूव करते हैं क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आई जो पेज uh, है ये पूरा का पूरा जो पोर्टल है वो किस तरीके से हम डे टू डे एक्टिविटी में यूटिलाइज करते हैं क्या क्या फीचर माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर कंटेन करके रखता है और क्या क्या बेनिफिट्स हमें उससे मिल सकते हैं सो so, मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे और आपको फटाफट से गाइड करते हैं अबाउट द कोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एडमिन पेज और प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंट करते हैं दिस इज माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव पोर्टल जिसको हमने रूट अकाउंट से लॉग इन किया है डायरेक्टली चलते हैं एडमिन सेंटर पे एडमिन पेज पे चलते हैं क्योंकि एडमिन पेज पे हमें मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं जो भी एडमिन सेंटर आप ओपन करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं आई एम गोइंग टू ओपन अवर माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव एडमिन सेंटर और यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन पेज पे जाएंगे और डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं नीड टू क्लिक ऑन आइडेंटिटी आइडेंटिटी हमें रीडायरेक्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट इंटरा एडमिन पेज पे और इस पेज से बहुत सारे टास्क परफॉर्म होने वाले हैं लेट मी गाइड यू ईच एंड एवरी वन सो समाइम योर इंटरव्यू विल आस्क यू क्वेश्चन लाइक वट इज़ वर्क ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंटराइडमिन सेंटर या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आई डी का रोल क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव सर्विसज़ को मैनेज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर बेसिकली ये हमारा एजेंडा है आज का सो इवी टॉक अबाउट द वर्क ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर एवली ईयर इट वॉज एच यू रेडी इसी को हम पहले एच यू रेडी के नाम से जानते थे बट अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए इसके फीचर के अंदर और ना अर डेज वी कैन कंसीडर इट एज ए माइक्रोसॉफ्ट इंट्राइडमिन सेंटर वर्क क्या होता है ये एक तरीके से प्लेस है जहाँ से हम यूजर्स ऑब्जेक्ट्स कंटेनर को मैनेज करने का काम करते हैं दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन पेज ठीक है एडमिन सेंटर अगर हम टास्क की बात करें तो ये पैनल हमें यूजर मैनेज करने के लिए ये पैनल हमें ग्रुप्स मैनेज करने के लिए यहाँ से हम अपने कस्टम डोमेन को अटैच ऐड कर सकते हैं वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द टास्क ऑफ एस एस पी आर प्लस मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन ये दोनों टास्क आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं आप यहाँ पे लाइसेंस को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे लाइसेंसिंग का पार्ट मैनेज कर सकते हैं साथ ही साथ ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं और अगर हम बात करें लाइक नंबर सिक्स सो आप इससे एज योर ए डी ज्वाइन जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा जॉइन हो गया एज योर ए डी ज्वाइन का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं आप यहाँ से एज योर ए डी कनेक्ट का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ए डी जॉइन और रजिस्टर के बीच में गैप के बीच एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं राइट उम्मीद है ये तो बेस है इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं कंपनी प्रोफाइल मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को मैनेज करना या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंटरा एडमिन सेंटर के जरिए आप एम डी एम और एम ए एम राइट एम डी एम और एम एम के पोर्टल को मैनेज करना टॉकिंग अबाउट द इंट्यून साथ ही साथ ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर एसोसिएटेड होता है आपके ऑफिस 365 के लाइसेंस से प्लस जो यूजर्स आप बनाएंगे या आप बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट इंटरा एडिक इंटरा एडमिन सेंटर अप्लीकेबल होता है माइक्रोसॉफ्ट के इन ट्यून सर्विसेज को मैनेज करने के लिए मतलब आप जो यूजर यहाँ पे क्रिएट करोगे फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू क्रिएट वन यूजर विद नेम ऑफ टोनी सो ये टोनी यूजर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट इन पोर्टल पे माइक्रोसॉफ्ट इन पे डिवाइस को इनोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइसेंसिस की बात हुई तो लाइसेंसिस यू नो दैट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एड ऑन लाइसेंस और बिल्टिन लाइसेंस होते हैं जिसको हम पैकेज लाइसेंस के नाम से जानते हैं बिल्टिन uh, लाइसेंस और पैकेज लाइसेंस सॉरी पैकेज लाइसेंस और एड ऑन लाइसेंस के जरिए आप अलग अलग पैनल को मैनेज कर सकते हैं जैसे कि पी वन पी टू लाइसेंस होते हैं जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी मैनेज करते हो इन ट्यून लाइसेंस होता है इन टीन प्लान वन होता है मोबाइलिटी प्लस सिक्योरिटी ई थ्री ई फाइव होता है जिसके थ्रू आप इन टीन की सर्विसेज़ को मैनेज कर पाते हो साथ ही साथ अगर कोर कंपोनेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे टेनेंट देखने को मिलेगा कि टेनेंट क्या होता है आपको यहाँ पे लाइक ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा जिससे आप मैनेज करोगे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल प्लस अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन दिस इज़ द अनदर पेज अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नए अप्लीकेशन को कैसे रजिस्टर किया जाता है डू या थर्ड पार्टी अप्लीकेशन को कैसे आप मैनेज करते हैं वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा एडी ज्वाइन हमने बता ही दिया एडी कनेक्ट हमने डिस्क्राइब कर ही दिया सो यू कैन से दैट हर एक माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर के लिए विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि उसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरेडमिट सेंटर के ऊपर दिखने वाले मोस्ट ऑफ़ द ऑप्शन अच्छे तरीके से आने चाहिए उसको लाइक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन उसको आना चाहिए कि किस पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर सर्विस को कहाँ पर इस्तेमाल करना है बेस से स्टार्ट करते हैं दिस इज़ द पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर और यहाँ पे ओवरव्यू की केस की बात करें तो आप देखिए एक यहाँ पे एक नेम दिखाई पड़ रहा है दिस इज़ माई डिफॉल्ट डोमेन और अकाउंट नेम और ये मेरा टेनेंट है टेनेंट आई वैसे डो नॉट डिस्क्लोज विद एनी वन क्योंकि टेनेंट आई के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट की जा सकती है ये प्राइमरी डोमेन है टीचमिंग क्लाउड सोल्यूशन डॉट कॉम और ये हमारा लाइसेंस है पी वन जो बाई डिफॉल्ट हमारे इस टेनेंट के साथ एसोसिएटेड है नंबर ऑफ यूजर्स नंबर ऑफ ग्रुप नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड किया है और नंबर ऑफ डिवाइस जो इंटीन पे इनरोल की गई है अनफॉर्चुनेटली ना ही हमने कोई एप्लीकेशन अभी रजिस्टर किया है और ना ही कोई डिवाइस को इनरोल किया है दैट्स इज वाई ये जीरो दिखाई पड़ता है अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पैनल है ना जो जो ये टेनेंट आई डी का कॉन्सेप्ट है वट इज यूज ऑफ टेनेंट आई डी सो गाइज यू नो दैट यहाँ पे मैंने एक अपनी ई मेल आई डी का इस्तेमाल करके साइन अप किया था राइट right? और साइन अप करने के बाद जिस मेल आई डी से हमने साइन अप किया था उस मेल आई डी के थ्रू आप जब भी फ्री ट्रायल लाइसेंस परचेज करते हैं सो ईच एंड एवरी फ्री ट्रायल लाइसेंस कंटेन वन टेनेंट एंड मीन्स आप इंडिविजुअल ये ई मेल आई डी हमने यूज की थी लाइक दिस इज माई मेल आई डी दैट आई यूज टू साइन अप माई सेल्फ और ये रूट अकाउंट है इस रूट अकाउंट के थ्रू आप मल्टीपल टेनेंट को अटैच कर सकते हो सो लेट मी गिव यू वन रियल टाइम एग्जाम्पल वाई वी आर गोइंग टू एड मोर देन वन टेनेंट और टेनेंट का काम क्या है किस तरीके से हम इसको रियल इन्वायरमेंट में यूटिलाइज करेंगे सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आई और इसमें जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया है पहला जो पॉइंट हमने उठाया है विच इज़ रिलेटेड टू द टेनेंट ठीक है सो so, टेनेंट क्या होता है ये एसोसिएटेड होता है आपकी ई मेल से ई मेल इन द सेंस जो ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम की ई मेल आई डी जो आपका रूट अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव का उससे ही जुड़ा होता है बट यू कैन क्रिएट मोर देन वन टेनेंट टेनेंट इज़ अ टाइप ऑफ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ योर अकाउंट टेनेंट इज़ अ यूनिक आई डी आइडेंटिटी ऑफ योर डोमेन कंट्रोलर एज वेल बिकॉज जब भी आप साइन अप करते हैं आप मल्टीपल टेनेंट को परचेज कर सकते हो और हर एक टेनेंट को एक इंडिविजुअल डोमेन के साथ एसोसिएट किया जा सकता है लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक टेनेंट हमने क्रिएट किया विद नेम ऑफ टेनेंट ए द सेकेंड विद नेम ऑफ टेनेंट बी और थर्ड आई एम गोइंग टू क्रिएट विद नेम ऑफ टेनेंट सी ठीक है तीन यहाँ पे अलग अलग टेनेंट को हमने क्रिएट किया है मैनुअली क्रिएट किया और हर एक टेनेंट के साथ आई एम गोइंग टू एड वन डोमेन अभी जैसे हमने एक डोमेन अटैच किया है Tenant A से with name of टीच मी ठीक है ये टेनेंट वन से हमने अटैच कर दिया दूसरा हम यहाँ पे एक दूसरा डोमेन परचेज करने वाले हैं क्लाउड सपोर्ट डॉट को डॉट इन ठीक है ये हमारा दूसरा डोमेन होगा ये दूसरी फॉर्म है जिसमें हम दूसरे टास्क का परफॉर्म करते हैं और सी में क्लाउड क्लाउड डॉट इन ठीक है ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डोमेन्स हो गए ये अलग अलग डोमेन्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट टेनेंट के साथ क्या किया है एसोसिएट करा दिया एसोसिएट कराने का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर अकाउंट से एक ईमेल आईडी आई डी यहाँ पर जो रूट अकाउंट है उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से राइट right? इस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप क्या कर रहे हो मल्टीपल अकाउंट मल्टीपल डोमेन को मल्टीपल टेनेंट को आप हैंडल कर रहे हो ताकि उनकी बिलिंग को आप आसानी से मैनेज कर सको राइट दिस इज द मोटो टू यूज टेनेंट इन मोर देन वन टेनेंट इन अवर माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव सर्विस डिफरेंट टेनेंट और उनसे एसोसिएटेड एक एक डोमेन हमने एड कर दिया सो यू कैन से दैट अगर आप ऑनर हैं इन तीनों कंपनी के सो यू आर ट्राइंग टू हैंडल द ई मेल आई डी ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी जो भी इंप्लाइज वहां पर काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल टीचमी क्लाउड सोल्यूशन डॉट कॉम में Uh, लगभग 500 सौ एम्प्लॉय काम करते हैं राइट right? और टीच क्लाउड सपोर्ट डॉट को डॉट इन में 200 हंड्रेड इम्प्लॉयज़ आर रिस्पॉन्सिबल टू वर्क और टीचमिंग क्लाउड डॉट इन में 1000 थाउजेंड इम्प्लॉयी काम करते हैं अब इन सभी को जो ऑफिशियल मेल आई डी असाइन करनी है ना उसके लिए आपको अलग अकाउंट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आप टेनेंट क्रिएट करो टेनेंट से आप अपना डोमेन एसोसिएट करो और वहाँ पर लाइसेंस असाइन करना पड़ेगा लाइसेंस हर एक के लिए लगेगा चाहे आप टीचमिंग क्लाउड सॉल्यूशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं मीन्स इस इससे अगर यूजर्स क्रिएट किए हैं और उनको मिलिंग सर्विसेस असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग लाइसेंस क्लाउड सपोर्ट के लिए डिफरेंट लाइसेंस और टीचमिंग क्लाउड डॉट इन के लिए अलग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि हाउ इट कैन वर्क सो अभी हम आ जाते हैं पोर्टल पे पोर्टल पर इंटर एडमिन सेंटर पर यहाँ पर टेनेंट एक ही है अभी आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द मैनेज टेनेंट मैनेज टेनेंट पे क्लिक करने के बाद वैसे तो हम ऑलरेडी यहाँ पे एक टेनेंट हॉर ऐड कर चुके हैं आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट टेनेंट क्रिएट टेनेंट पे एक्सटर्नल डेफिनेटली इट्स टाइप ऑफ एक्सटर्नल टेनेंट और जो भी आपका डोमेन है जैसे हमने डिस्कस किया क्लाउड सपोर्ट डॉट को डॉट इन नाम का हमारा हमारी कंपनी है और इसी नाम से हम डोमेन इस्टेब्लिश करेंगे प्रोवाइड द नेम यहाँ पे आप लोकेशन असाइन करेंगे यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द लोकेशन सो वी आर इन इंडिया सो इंडिया हमने लोकेशन प्रोवाइड कियाउड सपोर्ट support 1988 थोड़ा सा यूनिक क्योंकि ये ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम पर जा रहा है ठीक है मस्ट बी यूज यूनिक नेम यहाँ पे डोमेन नेम केस में या फिर आप सॉरी डन डन दिस इज द ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम पर क्योंकि आप कस्टम डोमेन अपनी तरफ से ऐड करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे डू यू वॉन्ट टू एड सब्सक्रिप्शन एनी काइंड ऑफ लाइसेंस तो अभी हम यहां पे कोई सब्सक्रिप्शन है नहीं सो लेट मी प्रोसीड विदाउट सब्सक्रिप्शन और बाद में हम यहाँ पे एक लाइसेंस को एसोसिएट असु, असु, कर देंगे सो so उम्मीद है टेनेंट के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा साथ ही साथ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन दैट आर अवेलेबल जैसे कि अब देखिए यहाँ पे एक्टिव यूजर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सॉरी वी जस्ट नीड टू ओपन द एडमिन सेंटर इंट्रा एडमिन सेंटर और यहाँ पे भी आप यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल वे वी हैव टू क्रिएट अवर यूजर अकाउंट थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर और माइक्रोसॉफ्ट लाइक थ्री सिक्सटी फाइव एडमिन सेंटर दोनों तरीके से हम अपने यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं इंट्रा एडमिन में डिफरेंट मैथड रहता है डिफरेंट प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा टू क्रिएट यूजर फॉर मेलिंग सर्विसेज आ जाते हैं हम अपने इस पेज पे और लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ मेनी वे वी हैव टू क्रिएट यूजर अकाउंट आप यूजर्स पे क्लिक करिए ऑल यूजर की कैटेगरी में जाएंगे ऑल यूजर पे क्लिक करने के बाद दिस इज द प्लेस जहां से हम नंबर ऑफ यूजर्स को फाइंड कर सकते हैं न्यू यूजर पे न्यू यूजर और इनवाइट एक्सटर्नल यूजर डाउनलोड यूजर बल्क यूजर ऑपरेशन यहाँ पे आप बल्क यूजर क्रिएट कर सकते हैं बल्क इन्विटेशन भेज सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं बल्क में पर यूजर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन भी दिखाई पड़ रहा है सो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक बट अपकमिंग क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे आज हमने टेंडेंट की बात की और डिस्कस किया हाउ माइक्रोसॉफ्ट इन ट्राएडमिन सेंटर कैन परफॉर्म द टास्क उम्मीद है आज की क्लास में जो भी कुछ डिस्कसन हुआ है वो आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट इन ट्राइडमिन सेंटर टेक केयर गायज बाय एंड डू सब्सक्राइब यूर ऑन टीच मिंग क्लाउड यूट्यूब चैनल बायस